हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है दीपशिका। तो बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्हें एक अफोर्डेबल मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फेयरवेल, बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन या फेस्टिव सीज़न, इस सभी के लिए हमें एक मेकअप की ज़रूरत रहती है, एक अफोर्डेबल। तो इसलिए इस वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी के लिए अच्छा सा बजट फ्रेंडली मेकअप अंडर ₹500। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फैमिली को बेल आइकन सबमिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते हैं। जितने भी इस वीडियो में आपको मेकअप दिखाऊंगी वो सारी मैंने अमेजोन से परचेज की है। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर नाम से, एंड इंडिविजुअल लिंक्स भी मिल जाएंगे सारे ही प्रोडक्ट्स के। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी के साथ बहुत बेसिक से ही प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी स्किन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स टीनेजर्स होंगी एंड हम जितना कम ही अपने फेस पे प्रोडक्ट यूज़ करें उतना ही बेहतर रहेगा। तो इसको देखते हुए मैं काफ़ी बेसिक से ही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात आती है एक अच्छे से फेस वॉश की। सो अभी मैं इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ। ये है सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश एंड ये 100% सोप फ्री है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड इसका जो MRP है वो 375 रुपीज़ है। थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, अमेज़ॉन पर हमेशा डिस्काउंट पर ये अवेलेबल रहता है, 250 रुपये तक का ये मिल जाता है। तो अगर आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। एंड ये हर स्किन के लिए है एंड काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम एंड केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या नॉर्मल स्किन की तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने की। अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हैं तो आप एक गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम ले सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहता है विंटर्स के लिए, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है ज़्यादा। तो उसके हिसाब से ये वाला जो सीरम है ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसे विंटर्स में यूज़ करती हूँ। समर के लिए ये इतना अच्छा नहीं कि इससे ना फिर और ज़्यादा फेस पे बहुत गर्मी है। नेक्स्ट जो मेरे पास मॉइस्चराइज़र है वो है एक पॉन्ड्स का है, ये भी हम विंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप पे सूट हो जाता है, कोल्ड क्रीम है ये, तो आप इसे भी यूज़ कर सकती हैं। या तो आप ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। स्किन ऑयली है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये क्रीम काफ़ी अच्छी है ऑयली स्किन के लिए। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकती है विंटर में। एंड अगर समर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकती है जो लाइट स्किन टाइप जो है वो थोड़ी सी ड्राई है, इसलिए मैं कोल्ड क्रीम यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जो स्टेप आता है वो आता है प्राइमर का। तो मेरे पास ये ब्लू हेवन का प्राइमर है एंड ये जो प्राइमर है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये ऑयल फ्री नॉन ग्रीजी वाला प्राइमर है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मैट फिनिश वाला प्राइमर लेना पड़ेगा, जो क्रीम वाले फॉर्म में आता है वो वाला। इन का ये प्राइमर आता है, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये काफ़ी अच्छा है। प्राइमर यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्राइमर आपके फाउंडेशन के बेस को क्रिएट करता है, साथ ही साथ आपके फाउंडेशन को कैकी होने नहीं देता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेकअप को स्टे करने में हेल्प करता है। तो आपके ओपन पोर्स हैं, मेन इनविजिबल पोर्स है, उसे मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। वाला जो प्राइमर है काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आप इस वाले प्राइमर के साथ जा सकते हैं एंड ये कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आता है। सो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फाउंडेशन का। तो मेरे पास ये दो टाइप्स के, एक फाउंडेशन एक सीसी क्रीम है। ज़्यादातर मैं सीसी क्रीम लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से ना आपके चेहरे पे कवरेज दे देती है। लाइट मेकअप के लिए ना ये काफ़ी अच्छी है, तो आप चाहें ना तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसमें जो मैंने अपना शेड परचेज़ किया है वो है ब्रॉन्ज 03 शेड नंबर है एंड इसका जो MRP है ना वो 335 रुपीज़ है, बट आफ्टर डिस्काउंट 200 रुपीज़ में भी मिल जाती है। फाउंडेशन लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करती हैं, तो आप एबलिन का फिट मी फाउंडेशन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे से आपको फुल कवरेज दे देता है। सो ये फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है, अंडर 500 रुपीज़ के बजट में आता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एंड इसमें जो मैंने अपना शेड परचेज किया है वो है 310 सन बेज। नेक्स्ट स्टेप है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिप लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए। तो मेरे पास ये ब्लू हेवन का लिप बाम है, आप कोई सा भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, आप वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे लिप्स हैं ना वो मॉइस्चराइज रहते हैं, तो हमारी जो लिपस्टिक है ना वो ड्राई एंड कैकी नहीं दिखती है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है लिप बाम यूज़ करने का। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आईब्रो फिलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहता है। अगर आपकी आईब्रोज में थोड़ी सी लाइट है या पतली है तो आपका ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप रहता है मेकअप के लिए। सो मेरे पास है ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर एंड इसमें जो मैंने अपना शेड लिया है वो है ब्राउन शेड, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना उसके हिसाब से ब्राउन शेड हमारे स्किन पे मैच करता है आईब्रो पे। जो आईब्रो पेंसिल है ना ये काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर ₹100 है, ब्लू हेवन की है। एंड आप चाहे तो वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट भी यूज़ कर सकती है, इसमें साइड में मैं इमेज दिखा रही हूँ, या फिर आप फेसेस कैनेडा का ब्राउन शेड का आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि पर वो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव साइड में जाता है। तो अगर आप कोई अपना स्मॉल बजट में ढूंढ रहे हो तो आप ये ब्लू हेवन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है कंसीलर। हमारे जो थोड़े से डार्क एरियाज होते हैं, डार्क सर्कल्स एंड ये स्कार्स, पिगमेंट, ये एक्ने के मार्क, ये हाइड करने के लिए कंसीलर इंपॉर्टेंट रहता है। आपके ये सब मार्क्स थोड़े से कम है, लाइट हैं, तो आप फाउंडेशन या आप सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, उससे भी आपके ये डार्क सर्कल्स एंड ये मार्क्स है ना कवर हो जाते हैं, आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे पास जो कंसीलर है वो स्विस ब्यूटी का है,
एंड इसमें मैंने अपना शेड 04 लिया है। एंड जो कंसीलर होता है ना, सोचती हूँ कि हमें एक शेड थोड़ा सा अपने स्किन से डार्क लेना चाहिए, क्योंकि जो लाइट होता है ना वो फिर हमें थोड़ा सा ऐसे भूत जैसा दिखाता है। तो मैंने परचेज़ किया था 180 रुपीज़ में, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये काफ़ी बजट में है कंसीलर। बट अगर आप कोई अच्छा सा और कंसीलर चाहती हैं तो आप मेबलिन का फिट मी कंसीलर भी ट्राई कर सकती अब जो हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आईज़ के लिए। सो सबसे पहले आई लाइनर की बात करते हैं। तो मेरे पास है ये फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आई लाइनर, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। एंड ये है लैक्मे का आई लाइनर, एंड ये ब्लैक कलर का आई लाइनर है, काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 100 रुपीज़ में, बहुत अच्छा आई लाइनर है। आपको थोड़ा सा ब्रॉड आई लाइनर लगाना तो आप इस वाला आई लाइनर के साथ जा सकती हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा स्मॉल लाइन वाला आई लाइनर चाहिए तो आप इसके साथ जा सकती हो। इसका जो ब्रश है ना वो थोड़ा सा पतला आता है, एंड इसका जो है ना थोड़ा सा थिक साइज में आता है। बट आपका बजट 300 तक का है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है काजल की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मेरे पास मैं दो काजल यूज़ करती हूँ, एक है प्लम नेचर स्टूडियो एंड ये है फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो काजल। दोनों ही काजल काफ़ी अच्छे हैं। अगर पिगमेंटेड वाला काजल चाहिए तो आप फेसेस कैनेडा के साथ जा सकती हैं। दोनों ही काजल अंडर 400 रुपीज़ में है, दोनों ही काजल वाटर प्रूफ है, ये अच्छे काजल है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो आप ज़रूर इनमें से कोई काजल परचेज कर सकते हैं। एंड ये आईज़ को ना भी अच्छे से डिफाइन करते हैं। एंड इस वाले काजल में स्मज ब्रश भी आता है, आप स्मोकी आईज़ लुक चाहते हैं तो आप इससे स्मज करके भी आप स्मोकी आई लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। सो ये वाला काजल भी काफ़ी अच्छा है, एंड ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेप आती है वो आती है हमारे मस्कारा की, जो सबसे फेवरेट पार्ट है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का द क्लोजल मस्करा, एंड ये वॉशेबल वाला मस्करा है, आप चाहे तो वाटर प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रूफ में ये रहता है कि आपका वो जल्दी से निकलेगा नहीं। एंड ये वाला जो मस्करा है ये अंडर 400 रुपीज़ में आपको अमेजोन पे अंडर 300 रुपीज़ में आराम से डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। बहुत अच्छा मस्करा है, ये काफ़ी लाइट वेट है एंड बल्की लुक भी नहीं देता है। जो कुछ कुछ मस्करा होता है ना वो आँखों पे ऐसे ब्लैक ब्लैक इनका जो मोटा सा वो कुछ लग जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ये आई शेडो की। सो मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट, काफ़ी अफोर्डेबल है अंडर 200 रुपीज़ में। एंड ये वाला जो है ये एक स्विस ब्यूटी का ग्लिटर वाला आई शेडो है, ओनली 150 रुपीज़ में। इन पे हमेशा डिस्काउंट अमेज़ॉन पे चलते ही रहता है, तो अगर आप कोई अफोर्डेबल आई शेडो ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्रीमी आई शेडो है, बहुत पिगमेंटेड एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। ये जो मैंने शेड लिया है ये थोड़े से ब्राउन अंडर टोन ऑरेंजिश अंडर टोन में, बट इसमें पिंक वाले शेड का पैलेट भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, तो आपका जो मन करे आप वो शेड ले सकती हैं। आज तो ग्लिटर वाला आई शेडो काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो आप ये वाला आई शेडो जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें मैंने शेड लिया है रोज़ गोल्ड रेट्रो 05, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लुक देता है। एंड आपको अपने इनर कॉर्नर से आइस पे भी आप इसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इससे आपकी आई डिफाइनिंग होती है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हाइलाइटर की। तो ये मैंने परचेस किया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ब्रिक, एंड इसमें ना ये सारे ही शेड्स मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, पिगमेंटेड है। एंड इसका MRP है 349 रुपीज़, बट ये आपको अमेज़ॉन पर डिस्काउंट पर मिलेगा अंडर 250 रुपीज़ में। सो आप एक हाईलाइटर परचेज करना चाहते हैं तो आप इस हाईलाइटर के साथ ज़रूर जा सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छा भी है। आपको एक शुगर का भी हाईलाइटर आता है, पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट स्टेप होता है वो है लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपका जो मन हो आप वो लिपस्टिक लगाएं, अपनी एज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही लिपस्टिक लगाएं। इसमें मत लगाइए कि बहुत ज़्यादा आप ओवर दिखने लगे अगर आप टीनेजर है तो, एंड अगर आप बड़े हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसे जहाँ जा रहे हैं आप उस हिसाब से लिपस्टिक लगाइए। लिपस्टिक में जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो एक ये शुगर की है, ये अंडर 500 रुपीज़ में, एंड ये जो कलर है ना थोड़ा सा ब्राइट साइड में जाता है, थोड़ी सी ब्राइट लिपस्टिक लगानी है तो आप शुगर की, ये मेरे पास 06 पिंक अलाउड शेड ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ब्राइट शेड है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका मेकअप लुक थोड़ा सा लाइट है ना तो आप ब्राइट लिपस्टिक के साथ जा सकती हैं। एंड अगर आपका मेकअप लुक थोड़ा सा हैवी साइड में तो आप ये लैक्मे की कुशन मैट लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने शेड लिया है रेड ऑर्चिड, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश एंड रेडिश टोन में है कलर, जो काफ़ी अच्छा लगता है, हर स्किन टोन पर मैच हो जाता है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। एंड इसका जो MRP है वो 275 रुपीज़ है। चाहे तो लिक्विड लिपस्टिक के साथ भी जा सकती है। ये जो है ये इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक है मैट, एंड इसे मैंने 80 रुपीज़ में परचेज किया था, काफ़ी अफोर्डेबल है, सुपर अफोर्डेबल। एंड इसका जो कलर है वो कोको प्लम है, काफ़ी अच्छा शेड है, रेडिश। माय ग्लैम की लिक्विड मैट लिपस्टिक है, एंड इसमें जो मैंने शेड परचेज किया है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है, बट ये भी काफ़ी अच्छा शेड है पिंक टोन में। अगर आपको मैट लिपस्टिक पसंद है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। पता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हेयर्स के लिए, हेयर्स को अच्छे स्टाइल करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ लिवॉन का एंटी फ्रिज सीरम स्प्रे। इसका MRP 300 रुपीज़ है, बट आफ्टर डिस्काउंट मैंने इसे 250 रुपीज़ में कुछ परचेज किया है। ये सीरम है, अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके हेयर्स हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। एंड अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है सीरम यूज़ करना। आप चाहे तो लॉरियल का सीरम यूज़ कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में, बट लिवॉन के सीरम तो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप इससे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। मैंने कुछ इसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं दिखाए मैंने, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।